subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एआरवी क्लास में। और मैं आपका अपना दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एआरवी क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं इस समय स्त्री पुरुष और बच्चों वाले से संबंधित प्रश्न के सात्र, जिसका पहला टाइप और पहला भाग कह लीजिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा मेरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा सात्र पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को तब सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और एक कमेंट्स भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी जो है इस लॉकडाउन में जो है हेल्प मिल सके और पढ़ाई जो है जारी रह सके। तो पहले पार्ट को देखने के लिए इसी आपके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जब खोलेंगे यूट्यूब तो उसमें इसका लिंक मिलेगा पिछले वाले भाग का, उसमें आप आसानी से उसको देख सकते हैं और पिछला भाग पढ़ सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं स्त्री पुरुष और बच्चों से संबंधित सात्विक का दूसरा टाइप, और उसमें लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपको स्क्रीन बोर्ड के दाहिने तरफ दिखाई देगा और मैं यहाँ पढ़ूंगा और उसका सात्विक सोल्यूशन निकालना। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड का आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे स्क्रीन बोर्ड के पहला क्वेश्चन आपके सामने सवाल कह रहा है, दो आदमी किसी काम को तीन दिन में, जबकि तीन औरतें इसी काम को चार दिन में, तथा चार बच्चे उसी काम को छह दिन में करते हैं, तो बताइए एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। सवाल हमारा ये है। तो आइए पहले सवाल को हम कोने में एक तरफ रीड कर लेते हैं, सॉरी लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी किए हैं, तो क्या कह रहा है, दो आदमी किसी काम को तीन दिन, ठीक है। तो दो मेल लिखेंगे डायरेक्ट, ऐसे साठ फॉर्म लिखते हैं, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तीन दिन में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सवाल में, दो औरतें उसी काम को चार दिन में और चार बच्चे उसी काम को छह दिन में, दो औरतें उसी काम को चार दिन में और चार चिल्ड्रेन उसी काम को छह दिन में। ये तो हमारा हो गया जो हमारे सवाल में पूछा है वो बात, ठीक है। नीचे क्या कहा है, नीचे कह रहा है एक आदमी, एक महिला और दो बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक आदमी, एक महिला, ठीक है, और दो बच्चे चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमको निकालना है, ये हमारा दे रखा है। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन करते हैं सात ट्रिक का। देखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिएगा दो मेल तीन दिन कर रहे हैं, तो दो मेल गुणे तीन दिन इज इक्वल टू टू फीमेल गुणे चार दिन इज इक्वल टू फोर चिल्ड्रेन गुणे छह दिन, क्योंकि ये सबकी कार्य क्षमता है, इतना बराबर औरतें इतना कर रही हैं, उसके बराबर बच्चे इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए जो कटता है उसको काट लेते, देखिएगा तीन यहां है, तीन से अगर इसको काटेंगे तो तीन गुना छह होता है, ठीक है। इस दो से अगर इस दो को काट देते हो ये खत्म हो जाता है, ध्यान से समझिएगा जो मैं कर रहा हूं। अब यहां देखिएगा आप यहां से चार को जो है, नहीं यहां मत करिए चार से चार को, देख लीजिए तीन से आपने काट दिया, तीन दूना छह हो गया, और दो से देखिए यहां करिए, दो से इस दो को काट दीजिए दो दूना चार, और इस दो से इस दो को काट दीजिए, ठीक है। अब समझ में आ गया, तो यहां बचता है मेल एक, यहां फीमेल देखिएगा दो बच्चा है बराबर में, ये खत्म ही हो गया, और ये खत्म ही होगा, यहां बचा है फोर चिल्ड्रेन। तो ये हो गया हमारा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो मेल एक, दो फीमेल और चिल्ड्रेन चार। अब तीन नहीं है, तीन पूछा है, तो जब तीन पूछे तो सबसे पहले हम इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। तो यहीं पे देखिएगा मैं आपका इन तीनों का एलसीएम यहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, तीनों का हम क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा निकालेंगे तो एक दो और चार का लॉसा क्या होता है, चार होता है, चार ही होगा, दो एक दो दूना चार, दो दूना चार, ठीक है। तो ये चार होगा, तो जब ये एक है देखिएगा एक मिल है, तो इससे भाग देंगे तो ये चार बार में कटेगा, इससे भाग देंगे ये दो बार में कटेगा, इससे भाग देंगे ये एक बार में कटेगा। तो ये हो गया आपका जो एक इनका अलग अलग काम, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम सबसे पहले इसके बाद कुल काम निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम कुल काम जानेंगे नहीं हमको इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा कि ये कितने दिन में करेंगे। तो इससे ही हम अपना कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम बराबर, कुल काम बराबर। अब देखिएगा कुल काम कहां से निकालेंगे, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा कुल काम पहले सवाल की पहली लाइन जो पूछा है उसी से निकालेंगे, दो मेल किसी काम को तीन दिन में करते हैं,
तो दो मेल हो गए और मेल देखिएगा यहाँ एक कितने हैं, चार है, तो एम की जगह चार रख देगा, दो पहले से, ठीक है, और गुणे कितना लगा रहे हैं, तीन दिन, ठीक है, तो चार गुना आठ तरीक का 24, यानी कि 24 दिन या 24 यूनिट कह लीजिए टोटल ये हो गया, ठीक है, ये टोटल काम हो गया। अब आइए हम यहाँ आते हैं, देखिए ट्रिक कुछ है नहीं, एकदम आसानी से साल हो जाएगा, पांच मिनट से भी कम समय में, पांच मिनट में ये साल हो जाएगा। अब यहाँ ये एक मेल एक फीमेल दो चिल्ड्रन, अब यही पूछा है, तो एक मेल और मेल का एम की जगह कितना है, चार है, तो यहाँ चार हो जाएगा, प्लस एक फीमेल गुणे फीमेल की जगह कितना है, दो है, एक फीमेल को दो है, प्लस दो गुणे चिल्ड्रन कितना है, एक है, तो यहाँ एक चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चार एकम चार प्लस दो एकम दो और प्लस ये दो, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, चार दो छह और दो आठ यूनिट, इसको कह लीजिए तो आठ यूनिट ये हो गया। अब हमसे पूछा है कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लगा समय डायरेक्ट लिख लीजिए, काम को पूरा करने में लगा समय या लगा समय, टोटल काम कितना है 24 और ये काम कितना है जो है आठ, तो आठ तरीका 24 तीन दिन, यानी कितना लगेगा उनको पूरा काम करें, एक मेल दो एक फीमेल और दो बच्चे को काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तीन दिन लगेगा। कैसा लगा सकते कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताइए कि 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है, सवाल हमारा ये है। तो देखिएगा आइए पहले लिख लेते हैं क्रम, 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो देखिएगा 12 मेल प्लस 18 फीमेल किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का लाइन जो कर रहा है। दूसरा कह रहा है 3 मेल और 18 फीमेल उसी काम को 12 दिन में, तो 3 मेल प्लस 18 फीमेल उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, उसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, तो हम यहाँ ने लिख दिया 12 दिन, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है तो बताइए 2 मेल और 3 फीमेल उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 2 मेल प्लस 3 फीमेल उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे सवाल में पूछा है, ठीक है, तो हमारा ये दे रखा है और ये हमसे सवाल में पूछा है, समझ में आ गया। तो आइए अब हम इसका सार्थक शुरू करते हैं, तो देखिएगा 12 मेल और 18 फीमेल 10 दिन में करना, तो सार्थक में देखिएगा 12 मेल प्लस 18 फीमेल 10 दिन में कर रहे हैं बराबर 3 मेल प्लस 18 फीमेल 12 दिन में कर रहे हैं, ये कह रहा है ना। अब देखिएगा 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10 कट गया, 5 से इसमें गुणा लगा दिया, 12 पच्चे 60 मेल आपका ये हो गया, 18 बच्चे 90 फीमेल हो गया, इज इक्वल टू 36 18 मेल हो गया प्लस 18 छक्के 108 फीमेल हो गया, ठीक है। अब इसको एक तरफ करके घटा लीजिए, देखिए 18 मेल 60 यहाँ मेल है और यह 18 जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 है तो 10 में से 8 जाता है 2 बचता है और यहाँ 5 हो गया, देखिएगा यहाँ 5 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 42 मेल, ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 90 है जब उधर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो 90 और 10 100 होता है और 8 यानी 18 फीमेल, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी 42 मेल पर कितना सकते हैं दुन्नवा, इसको आप काट सकते हैं, दुन्नवा 18, दो दूना 4, दो कनम 2, 3 त्रिका 9 और 3 सत्य 21, ठीक है, तो 7 मेल पर आपके हो जाएंगे 3 फीमेल, ठीक है, तो मेल को अगर यही रोकते हैं और फीमेल इधर लेके आते हैं तो 3 ऊपर रह जाएगा और 7 यहाँ नीचे चल जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा, ये हमारा मेन पॉइंट है, इसी से हम अपना कैलकुलेशन सब करेंगे ये भी। और अब इस ये हो गया, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुल काम, ये आपको पता ही है कि हम पहले कुल काम निकालेंगे, तो यही कुल काम निकाल लेते हैं, सामने देखिएगा कुल काम किसका, इसका पूरा कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ देखिएगा इसी से निकालेंगे पहले वाले से, तो 12 मेल और मेल कितने हैं 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 18
और गुणे लिखिएगा यहाँ यफ है, यफ का कितना है सात और गुणे दिन कितने हैं दस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका बारह तीन आए छत्तीस, आपका अठारह सत्य एक सौ छब्बीस होता है और गुणे दस, तो टोटल कितना हो जाएगा छत्तीस आ प्लस छब्बीस है ये हो जाएगा बारह साठ। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बारह साठ, ये हो गया देखेगा एक सौ छब्बीस में जीरो ऐड हो जाएगा तो बारह साठ जाएगा, बारह साठ हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा छः छः बारह का दो हाथ में लगाइए और आपका तीन दो पाँच एक छः एक सौ बासठ पूरे दस, तो जब पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक छः दो जीरो, इतना यूनिट हो गया, ठीक है। ये हो गया सोलह बीस यूनिट टोटल काम हो गया। अब देखिएगा हमको किसका निकालना है, क्योंकि इसका निकालना जरूरी है हमको, तो इसी से तो हमारा ये टोटल सोल्यूशन होगा। तो देखिएगा दो मेल है तो दो मेल गुणे मेलों की संख्या कितनी है तीन, तो यहाँ तीन कर देंगे आप प्लस तीन फीमेल गुणे फीमेल का कितना है सात, तो यहाँ सात कर देंगे, ठीक है। ये देखिएगा इसके लिए ये जो निकल रहा है तो तीन गुना छह होता है प्लस सात तरीका इक्कीस होता है ना, इक्कीस और छह सत्ताईस होता है, ये हो गया सत्ताईस। अब देखिएगा हमको लगा समय निकालना है ना, कितना समय लगेगा तो ये निकाल लीजिए लगा समय बराबर कितना है सोलह बीस है और बट्टे सताइस है, न तीन नौ सताइस और तीन पच्चे पंद्रह, एक बचा तीन चौको बारह चालीस बचा, देखिए नौ छके चौवन साठ दिन, कितना होगा साठ दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों साठ दिन, मतलब दो मेल और तीन फीमेल इस काम को मिलकर साठ दिन में पूरा कर लेंगे। तो कैसा लग रहा है बताना, बताया हुआ इस फैक्टर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पर क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि छह आदमी और आठ औरतें किसी काम को दस दिन में करते हैं जबकि छब्बीस आदमी और अड़तालीस औरतें उसी काम को दो दिन में करती हैं, तो बताइए सात आदमी और तीन औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी, यह है हमारा सवाल। आइए पहले एक तरफ लिख लेते हैं छह आदमी और आठ औरतें किसी काम को दस दिन में पूरा कर लेते हैं, छह आदमी है मेल है प्लस आठ औरतें हैं फीमेल है किसी काम को दस दिन में पूरा कर लेते हैं, पहला सवाल हमारा ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि छब्बीस आदमी और अड़तालीस औरतें उसी काम को दो दिन में, तो छब्बीस मेल प्लस अड़तालीस फीमेल, अड़तालीस फीमेल उसी काम को कितने दिन में कर रही है दो दिन में कर रही है, तो ये हमारा हो गया दो दिन। ये तो हो गया हमारे सवाल का लाइन, ठीक है। आगे पूछा क्या है हमसे, तो पूछ रहा है सात आदमी और तीन औरतें उस काम को कितना दिन में पूरा कर देंगे, यानी कि सात मेल प्लस तीन फीमेल उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये हमारा सवाल हो गई। अब आइए हम अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए कह रहा है कि छह मेल प्लस आठ फीमेल किसी काम को दस दिन में करते हैं बराबर छब्बीस मेल प्लस अड़तालीस फीमेल उसी काम को दो दिन में करते हैं, ये कह रहा है ना। दो से इसको काटेंगे तो दो पंजे दस कट जाएगा, पांच से इसमें गुणा लगाइए तो छह पच्चे तीस मेल प्लस आठ पच्चे चालीस फीमेल इज इक्वल टू छब्बीस मेल प्लस अड़तालीस फीमेल। अब फीमेल और मेल एक तरफ पर, ये छब्बीस इधर आएगा तो घटेगा तो हो जाएगा चार मेल, छब्बीस चार तीस होता है और बराबर ये अड़तालीस इधर जाएगा तो घटेगा तो ये आठ फीमेल हो जाएगा, चार से इसको काटेंगे तो दो हो जाएगा यानी एक मेल पर दो फीमेल हो जाएगा, यानी कि मेल अपान फीमेल बराबर हो जाएगा दो बट्टे एक, ये हो गई हमारी पॉइंट। ये आपको पहले से पता है, कई बार इस तरह किया जा चुका। अब इसी के आधार पर कुल काम हम निकालेंगे, तो कुल काम अपना निकाल लेते हैं, कुल काम किस पे निकलेगा इस लाइन पे, तो छह मेल छह और गुणे मेल कितने हैं दो दो कर लेंगे आप प्लस आठ गुणे फीमेल कितना है एक, तो एक कर लेंगे, एक यहाँ कर लेंगे, ठीक है एक यहाँ हो गया और आपका ये यहाँ तक काम हो गया और गुणे उसके बाद दस, क्यों दस क्योंकि दस जो है वहां दिया है दस दिन, तो छह गुना बारह होता है और ये प्लस आठ गुणे दस तो बारह आठ बीस होता है, बीस दहा में 200 यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 यूनिट टोटल, ये टोटल हो गया, देखिएगा ये कुल काम हमारा आया है, ठीक है कुल काम। अब हम यहाँ निकालेंगे कि ये पूछा है हमसे, तो सात गुणे मेल कितने हैं दो, तो दो हो जाएगा
आप प्लस तीन गुड़े फीमेल कितने हैं, एक तो एक हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ हो गया। तो सात गुना चौदह और तीन चौदह, पंद्रह सोलह सत्रह, यहाँ हो जाएगा टोटल सत्रह यूनिट, ये सत्रह यूनिट हो गया। अब हमसे कुल काम पूछा है तो यहाँ निकाल लीजिए, लगा समय कुल पूरा काम करने में कुल समय कितना लगा है, 200 कुल टोटल और बट्टे कितने की पूछा है 17, तो 17 से भाग लगाइए तो 17 एक नंबर 17 एक बार में जाएगा, 17 3 20 3 50, 17 एक नंबर 17 एक बार में आएगा, ठीक है, 17 ये 13, 13 आपका हो जाएगा 13, यहाँ 13 हासिल बचता है 13 बट्टे 17, तो ये हो जाएगा दिन, यानी कि 11 से ही 13 बट्टे 17 दिन, इस क्वेश्चन का यही हमारे आंसर हो जाएगा। यानी कि सात मेल और तीन फीमेल मिलकर उस काम को 11 से ही 13 बटे 17 दिन में पूरा कर लेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो और आज का हमारा बताया गया ये शॉर्ट ट्रिक्स, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए और पूरा वीडियो देखा है आपने और आपको सचमुच अगर ये शॉर्ट ट्रिक मजा आया हो देखने में तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक कमेंट्स भी कर दीजिएगा, दिल में इच्छा करे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर टाइप 3, और उसमें मैं कराऊंगा जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है इससे संबंधित, वो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक से बेहतरीन सवाल कंपटीशनों में आ चुके हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।